दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो इंडिया गेट पे अमर ज्योति जवान 50 सालों से जल रही थी, अब वो इंडिया गेट पे नहीं जल रही है, बल्कि उस लो को दूसरी नई जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है, ऐसा समझिए, या फिर उसे उस लो में विलय कर दिया गया है। और आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमर जवान ज्योति किसके यादों में बनाया गया था, और साथ में ये भी जानेंगे कि इंडिया गेट की स्थापना कब हुई थी या इंडिया गेट किसके द्वारा बनाया गया था और कितने ईस्वी में बना था, ये भी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। आपको पता होगा कि जो दिल्ली इंडिया गेट पर 5 दशकों से जल रहे अमर जवान ज्योति के लो को पास में ही स्थित जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में के साथ मिला दिया गया, उसमें विलय कर दिया गया। इस फैसले के बाद आपने देखा होगा कितने सियासी रंग भी ले लिया, क्योंकि अमर जवान ज्योति की स्थापना कांग्रेस सरकार के समय हुई थी, जबकि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण मोदी सरकार के समय हुआ है। अगर हम इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति से जुड़े इतिहास की बात करें तो इंडिया गेट को ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। इसे 1914 से 1921 के दौर में हुए प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंगल अफगान युद्ध में मारे गए या जान गंवाए गए ब्रिटिश भारतीय सैनिक की याद में बनाया गया था। इसकी आधारशिला जो है 10 फरवरी 1921 में रखी गई थी और 10 साल में बनकर तैयार हुआ था 12 फरवरी 1931 को। तत्कालीन वायसराय जो था लॉर्ड एरविन ने इंडिया गेट का उद्घाटन किया था। अब हम अमर जवान ज्योति की बात करें तो ये 1971 के भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी और पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान उसे बांग्लादेश बोलते हैं। इस युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिक ने भारतीय सैनिक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, और इसी युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिक की यादों में अमर जवान ज्योति जलाने का फैसला किया गया था। इसके लिए इंडिया गेट पर एक काले रंग का स्मारक बनाया गया, जिस पर देखेंगे आप लिखा हुआ था अमर जवान लिखा हुआ है, प्लस में उस पर एक उल्टा करके बंदूक भी रखा गया, प्लस उस पर एक जो फौजी का कैप होता है फौज का वो भी रखा गया। और 26 जनवरी 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था उस समय। वही जो अमर जवान ज्योति जो 50 साल से चल रहा था इंडिया गेट पे, अब उसको वहाँ से 400 मीटर की ठीक दूरी पर जो युद्ध स्मारक बना है उसमें मतलब उस लो में उसको विलय कर दिया गया है, सिर्फ 400 मीटर के डिस्टेंस, जो कि बंद नहीं किया गया बल्कि उसे उस लो के साथ उसे विलय कर दिया गया एक में। साथ ही इस बार से जो गणतंत्र दिवस की जो समारोह पहले 24 जनवरी से स्टार्ट होता था और 30 जनवरी महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर ख़त्म होता था, अब क्या है कि अब 23 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा और 30 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा। 23 जनवरी को इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि इसमें सुभाष चंद्र बोस जी को 23 जनवरी की जयंती मनाई जाती है और 30 जनवरी तक चलेगा, जो कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर ख़त्म होगा।